स्टार कहें या सुपर एक्टिविस्ट समझ नहीं आता, तो जान लेते हैं कि कयामत से लेकर तलाश तक आमिर का दिल चाहता क्या है। वेल एज अ ह्यूमन बीइंग आई सपोज मैं चाहता हूँ खुशी, अपनों का प्यार जो मेरे अजीज हैं उनके साथ वक्त, एक्साइटमेंट, जॉय। किसी ने कहा है फिल्में तीन चीजों से चलती हैं। हम ये कहेंगे कि फिल्में तीन चीजों के इर्द गिर्द होती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। पर आमिर खान ने अपना एक ऐसा किरदार बुना है जो ये नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। आमिर खान ऐसा कॉन्शियसली दिल से चाह कर बने या एक नेचुरल फ्लो में ये बन गया? आपने शायद डेली बेली नहीं देखी। डेली बेली से भी जुड़ा एक सवाल मेरे पास जी। तो खैर, मैं जो फिल्में चुनता हूँ इट्स ए रिजल्ट ऑफ माई चॉइस, जो जहाँ पर मेरा दिल जाता है और जो मेरा जो चीज़ें मुझे एक्साइट करती हैं। आई सपोज जो कुछ मैं हूँ इस वक्त, जो इन्फ्लुएंसेस मुझ पर रहे हैं बचपन में एज आई ग्रू अप, अम्मी के, अब्बाजान के और मेरे दोस्तों के, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो वॉट एवर इन्फ्लुएंसेज हैव बीन ऑन मी, उस वजह से मैं आज हूँ जो भी हूँ। और जो मैं फिल्में चुनता हूँ वो ऐसी कहानियाँ होती हैं जो मेरे दिल को छूती हैं, मुझे हंसाती हैं, रुलाती हैं, जो मुझे पसंद आती है मैं वो करता हूँ। और सिर्फ फिल्में नहीं आमिर, अगर हम सत्यमेव जयते सोचें या फिर हम अन्ना हजारे का वो आंदोलन सोचें जब आमिर खान वहाँ पर पहुँचे थे, तो सिर्फ फिल्मों में वो चीज़ नहीं झलकती है। आमिर खान की सोच अब बहुत, उसका दायरा बढ़ चुका है। एक्चुअली मेरा हमेशा से ये मानना है कि, क्योंकि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं आप अब एक्टिविस्ट बन गए हैं, दरअसल मैं अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरे समझ से एक एक्टिविस्ट वो इंसान होता है जो अपनी पूरी जिंदगी एक किसी मुद्दे के साथ जोड़ लेता है, एंड ही स्पेंड्स हिज एंटायर लाइफ फाइटिंग फॉर दैट कॉज, वर्किंग फॉर दैट कॉज। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को एज एन एंटरटेनर देखता हूँ, लेकिन मेरे समझ से जो एंटरटेनर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम समाज को क्या देते हैं, वॉट डज एन एंटरटेनर डू, आई डोंट थिंक कि एंटरटेनर का काम सिर्फ इतना है कि हम लोगों को हंसाएं या रुलाएं। आई फील के एक एंटरटेनर का काम है कि हम समाज में एक जो सोशल फैब्रिक है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। वी ब्रिंग ग्रेस टू सोसाइटी, इट इज़ आर जॉब टू बिल्ड वैल्यूज इन पीपल, इट इज़ आर जॉब टू मेक यू थिंक, हम लोगों को सोचने पे मजबूर करें, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में पे रोशनी डालें। तो आई थिंक एंटरटेनर का काम सिर्फ हंसाना रुलाना नहीं है, इट्स ऑल्सो टू बिल्ड द सोशल फैब्रिक ऑफ अ सोसाइटी। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी फिल्मों के जरिए हो, चाहे वो मेरे टीवी शो सत्यमेव जयते के जरिए हो। जी। और इसीलिए ये लगता है कि आमिर खान कभी अपना कोई मिशन अधूरा नहीं छोड़ते हैं। क्या आप सत्यमेव जयते को एक अधूरे मिशन के तौर पर देखते हैं? सामाजिक समस्याएं आपने सामने रखी हैं जी, क्या वो निष्कर्ष तक पहुंची? आई डोंट थिंक कि ये जो मुद्दे हमने उठाए हैं इनका कोई एक रात में सोल्यूशन मिलने वाला है हम लोगों को। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे हम लोगों को लगातार काम करना पड़ेगा और ये एक कोशिश जारी रखनी पड़ेगी ताकि लोगों का नज़रिया बदले। हमने ये कोशिश इसलिए शुरू की क्योंकि हमको लगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें शायद पूरी तरह से जानकारी नहीं है, मुझे भी नहीं है। तो कोशिश ये थी कि पहले मैं जानकारी इकट्ठा करूं अपने आप के लिए और फिर जो मुझे मालूमात हो मैं लोगों के साथ बांटूं। और हमारा ये मानना है कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ लोगों का के एक्शंस बदलते हैं। अगर मैं आपसे इस वक्त कहूं कि लाइटनिंग जो है, बिजली यहाँ पर गिरने वाली है जहाँ बैठी हैं, तो ज़ाहिर है आप उठ के कहीं और बैठ जाएंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ आपका एक्शन पे असर होगा। तो सत्यमेव जयते हमने इसलिए किया क्योंकि हमको लगा कि विद इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज वी कैन एम्पावर पीपल, एंड उससे हम अपने एक्शंस बदल सकते हैं, आप अपना फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और हमारी सोच कई चीज़ों पर क्या है, उसमें तब्दीली आने की ज़रूरत है या नहीं है। ये हमारी कोशिश थी। तो ये मुझे लगता है ये प्रोसेस है, आई डोंट थिंक कि ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है। आमिर, ऑलमोस्ट 2.5 decades, ढाई दशक होने वाले हैं आपकी इस इंडस्ट्री में, पीढ़ियां बड़ी हुई हैं, चाहे माँ और बेटियां शायद आपकी फैंस होंगी। जब आप उस वक्त से इस वक्त तक सोचते हैं, एक रोमांटिक, एक लव बॉय, एक चॉकलेट हीरो, वो आया था पर्दे पर उस वक्त, अब
एक थिंकिंग एक्टर है और लवर बॉय का इमेज भी थोड़ा सा चंट हो चुका है. आमिर, आपकी फिल्मों में इस तरह का आपको नहीं लगता? चाहे वो हम पूजा भट्ट के साथ आपको याद करें. हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि मेरी क्या इमेज है, क्योंकि मैं अपने आप को देख नहीं पाता जैसे आप देखती हैं या और लोग देखते हैं. तो मेरे मन में कोई मेरी खास इमेज नहीं है. मैं हमेशा अपने आप को अलग अलग कैरेक्टर्स में देखता हूँ, और जब भी मुझे कोई अच्छा कैरेक्टर मिलता है, अच्छी कहानी मिलती है, तो उसमें मैं खो जाता हूँ और उस मैं वो इंसान बनने की कोशिश करता हूँ जो मेरा किरदार है. तो मैं अपने आप को वो इंसान के रूप में देखता हूँ. जैसे अभी तलाश की बात करें तो जो किरदार है मेरा शेखावत का, वो मैं अपने आप को उसी किरदार में देखता हूँ. तो मैं ये जो इमेज है, लवर बॉय है या थिंकिंग एक्टर है या परफेक्शनिस्ट है, मैं ये सब चीजें अपने आप के बारे में नहीं सोचता. यानी आप किसी इमेज के लिए नहीं काम करते हैं, ये इमेजेस खुद आप मेरी फिल्में देख लीजिए. आप इतनी अलग अलग मैंने फिल्में की हैं, इतने इतने अलग अलग किरदार की हैं, तो आप किसी एक इमेज में मुझे डाल ही नहीं पाएंगे. लेकिन इतने सालों में आप वैसे के वैसे यंग कैसे, अभी भी स्कूल बॉय का रोल कर सकते हैं. थैंक यू. दरअसल इसका जवाब मेरे पास पूरा तो नहीं है. आई थिंक सबसे पहले तो इसके लिए मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए अम्मी अब्बा जान का, फॉर द जीन्स दे गेव मी. उसके अलावा पिछले करीब 4-5 सालों में मैंने एक बहुत बड़ी चीज मुझे समझ में आई है, यू आर व्हाट यू ईट. अच्छा. तो मैंने अपने डाइट पे खूब जोर दिया है तब से, और उससे मेरे जिंदगी में बेहद फर्क आया, मेरे फिजिकैलिटी पर, मेरे वेलबींग पर, मेरे हेल्थ पर बहुत अच्छा असर हुआ है जब से मैंने ये डाइट फॉलो किया है. और उसी का ये सीक्रेट डाइट है? सीक्रेट डाइट नहीं है, ये एक बैलेंस डाइट है. और दरअसल लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए, तो जब मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि मैं बड़ा अच्छा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता हूँ, तो बोलते नहीं यार कुछ और बता दे, कुछ तो क्रीम लगाता है, क्या करता है. तो लोगों को शॉर्टकट सुनना है. शॉर्टकट कोई होता नहीं जिंदगी में. आई थिंक इफ यू वॉन्ट टू बी हेल्दी यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. आमिर, आपने कहा किसी इमेज के लिए आप नहीं काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे जहन में कोई एक इमेज आता है आपका, तो हमें याद आता है हज के लिए अपनी माँ को ले जाता हुआ एक आमिर खान. अन्ना के आंदोलन की जब हम बात कर रहे थे, तो अपना रोजा खोलता हुआ उस वक्त आमिर खान. क्या आमिर खान कौन है? आमिर खान वो है जो सोच रहा है यहां पर? आमिर खान वो है जो डीके बोस जैसे गाने को सही भी बता रहा है कि वो एंटरटेनिंग भी है, और दूसरी तरफ आप समाज बदलने की, आपने कहा कि मैं सिर्फ एक शुरुआत कर सकता हूं, अगर ये कोशिश के तौर पर भी देखी जाए तो अपने आप में कामयाब मानी जाएगी, क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक इंसान एक किस्म का होता है. हम सब में अलग अलग रंग होते हैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं सिर्फ एक रंग में ढल जाऊं. मुझमें भी बहुत सारे रंग हैं. मुझमें शराफत के रंग हैं, मुझमें थोड़ी शैतानी भी है, मुझमें जोश भी है, मुझमें प्यार भी है, बहुत सारे रंग हैं मुझमें. और लिहाजा आप मुझे अलग अलग रंगों में देखती हैं अलग अलग मौकों पर. बहुत सारी हीरोइनों के साथ बहुत सारे हीरोज पेयर होते हैं. आमिर खान एक जूही चावला कैसे आप याद आता है? आपकी अपनी मैजिकल पेयरिंग क्या है? किसी को मानते हैं अपना मैजिकल पेयर? नहीं, क्योंकि मैं फिल्मों को इस तरह देखता ही नहीं. मैं जानता हूं कि आमतौर पर जो एक्टर्स होते हैं उनकी एक इमेज होती है, और वो आमतौर पे अपना एंटायर करियर वो एक इमेज के साथ ही रहते हैं और बड़े अच्छी तरह से काम करते हैं. मैं उस किस्म का एक्टर नहीं हूँ. जैसे देव साहब को अगर हम देखें, या शम्मी अंकल को देखें, या अमित जी को देखें, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक किस्म के इमेज में काम किया है उन्होंने कई सालों तक, और बड़ा अच्छा काम किया है और हमारा मनोरंजन किया है. मैं उस किस्म का एक्टर नहीं हूँ. मुझे उस एक दफ़ा जब मैं कोई किरदार करता हूँ, उसके बाद मैं उससे बोर हो जाता हूँ, मुझे कुछ और करना है. इसी तरह बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से पेयरिंग रही है. राज कपूर और नरगिस, और राजेश खन्ना और मुमताज़, ऐसे बहुत सारे फेमस पेयर्स रहे हैं. धर्मेंद्र हेमा मालिनी, शाहरुख और काजल, कई सालों तक बहुत साथ काम किया है दोनों ने. लेकिन मेरे लिए पेयरिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. जो कहानी की रिक्वायरमेंट है, जो डायरेक्टर की चॉइस है, उस किस्म की कास्टिंग होगी अगर उस रोल में कोई तो मैंने कभी इसके बारे में, ये सब चीजें मेरे लिए टोटली इनकॉन्सिक्वेंशियल है कि पेयरिंग होनी चाहिए या नहीं. क्या ये सब चीजें मुझे सूझती नहीं है? इमेज के लिए नहीं सोचते हैं आप? जो बन जाता है
जिस तरह का काम अच्छा होता है वो ठीक है, क्या आप आगे के लिए सोचते हैं, भविष्य के लिए सोचते हैं आमिर खान आज से 5 साल बाद, या मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, मैं एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ? इतनी आगे मैं नहीं सोच पाता और ना मुझे सोचने में इंटरेस्ट है। मैं आई बिलीव इन लिविंग इन द प्रेजेंट। मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूँ उस पर मेरा ध्यान होता है और अक्सर उस वजह से मैं और चीज़ों पर ध्यान दे नहीं पाता। मैं जब एक कोई काम करता हूँ तो उसमें पूरी तरह से खो जाता हूँ और मुझे मज़ा भी नहीं आता मैं और कुछ चीज़ें करूँ, तो मैं सोचता भी नहीं हूँ उसके आगे। इस वक्त मैं जानता हूँ कि मैं जो फिल्म इस वक्त कर रहा हूँ और शायद जो आने वाली फिल्म है एट द मोस्ट उसकी थोड़ी बहुत प्लानिंग चल रही है, उसके आगे मैं सोचते नहीं हूँ कि अगले 5 साल के बाद मैं क्या करूँगा या 10 साल के बाद मैं क्या करूँगा। इतना नहीं सोचता मैं। क्या बीती हुई फिल्मों के बारे में सोचते हैं? अगर हम आज की फिल्मों को देखते हैं तो हमें लव लव लव, जवानी जिंदाबाद, तुम मेरे हो, सब याद आता है। आपको याद? मेरा मूड खराब करने के मूड में आप ठीक है। एक्चुअली ये जो फिल्में हैं जिनका आपने नाम लिया और भी कई फिल्में हैं जो मेरे करियर की शुरुआत में मैंने कई फिल्में की थी जो एक तो नाकामयाब रही और उसके अलावा मुझे खुद पसंद नहीं आई थी अगर मैं सच बताऊं तो। कोशिश हमने की थी कि हम अच्छी फिल्में बनाएं लेकिन उनमें से कुछ कामयाब नहीं हुई और अच्छी नहीं बनी। और मुझे लगता है कि ये फिल्में जो मेरी नाकामयाब रही हैं ये मेरे लिए सबसे अजीज हैं क्योंकि इनकी वजह से जो कुछ मैं आज हूं वो इनकी वजह से हूं। ये जो फिल्में हैं इन्होंने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दीज आर द फिल्म्स दैट हैव टॉट मी, हैव बीन माई बिगेस्ट टीचर्स। और ये जो मेरा अनुभव या एक्सपीरियंस रहा है इन फिल्मों को करने का, उन एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं बेहतर फिल्में कर पाया हूँ। तो ये जो फिल्में हैं ये मेरे लिए बहुत अजीज हैं। आई रियली वैल्यू देम, आई नेवर रिग्रेट देम बिकॉज वॉट एवर आई एम टूडे दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, हम वो शुरुआत करेंगे, लेकिन साथ ही हम एक वेब का अपना aajtak.in पर एक सवाल आपके लिए आया है लखनऊ से राजेश कुमार का। इतने साल काम करने के बाद भी क्या कोई ऐसी भूमिका है जिसे आप करने की चाहत रखते हैं? मुझे मेरा एक सपना है कि मैं महाभारत बनाऊं और पता नहीं वो सपना पूरा होगा कि नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल सपना है और बहुत डरावना सपना है वो, क्योंकि जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैं कर नहीं पाऊँगा, हिम्मत नहीं जुटा पाता मैं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो, क्या मैं निभा पाऊँगा कि नहीं मैं अक्सर सोचता हूँ। लेकिन वो एक सब्जेक्ट है जो मेरे मन में बहुत सालों से घूम रहा है। डर ये लगता है कि अगर आज मैं फैसला करूं कि मुझे महाभारत करना है तो मुझे मेरे अगले 20 साल सिर्फ वही एक काम करने में लग जाएंगे, तो इसलिए मैं डरता हूं। क्योंकि वैसे ही लोग बोलते हैं तुम्हारे 3 साल में एक फिल्म आती है उसके बाद, मतलब। रितुल सवाल पूछना चाहती हैं। दो सवाल हैं, एक तो वो आपकी सीक्रेट डाइट जिससे कि आपके किलर लुक्स अभी तक बने हुए हैं, और दूसरा आप कह रहे हैं महाभारत बनाने की आप चाहत रखते हैं, आपका रोल क्या होगा उसमें? उसमें देखिए जो मेरा फेवरेट किरदार, वैसे तो बहुत कमाल के उसमें कैरेक्टर्स हैं सारे, लेकिन आई थिंक माय फेवरेट इज करना। बट मुझे लगता है मैं कर्ण का रोल मैं कर नहीं पाऊंगा, आई डोंट सूट द कैरेक्टर, बिकॉज जब भी मैं कर्ण के बारे में सोचता हूँ तो मुझे 6 फुट 5 इंच का एक क्षत्रिय नजर आता है, मैं उस रूप में अपने आप को देख नहीं पाता। तो आई थिंक आई विल प्रॉबली बी सूटेड फॉर कृष्णा। और अम्मी, जब मैं छोटा था अम्मी मुझे कृष्णा बुलाती थी क्योंकि मक्खन का मुझे बड़ा शौक था, और वो कहती हैं, मुझे तो पता नहीं, वो कहती हैं तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा लड़कियां घूमते रहती थी तो इसलिए मुझे वो कृष्णा बोलती थी। जिस तरह की आप बातें करते हैं उसकी वजह से भी आप कृष्ण के रोल में सूट करेंगे। चलिए ठीक है। हाँ डाइट, मैं डाइट बताता हूँ। डाइट जो है, पता नहीं इतना बोरिंग आप लोगों को टॉपिक सुनना है। अच्छा चलिए, तो एक डाइटिशियन है डॉक्टर धुरंधर, जिनके साथ मैं पिछले 4-5 सालों से हूँ, और बेसिकली ही फॉलोज द ओल्ड फैशन कैलोरी काउंट डाइट। और उसका थियोरी बड़ा सिंपल है, हम दिन में करीबन, एक आम इंसान करीबन 1800 कैलोरी
इस्तेमाल करता है अपना दिन चलाने के लिए. आप उठते हैं, चलते हैं, बातचीत करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो आप करीबन 1800 कैलोरी इस्तेमाल करते हैं, स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं एनर्जी. तो अगर आप 1800 कैलोरी खाएं तो आपका वजन वैसे का वैसे ही रहेगा. 1800 आप खा रहे हैं, 1800 आप खर्च कर रहे हैं. अगर आपको वजन घटाना है तो आप 1800 खर्च कीजिए और 1500 खाइए. अब ये हो गई एक बहुत मोटी बात. उसमें एक बारीक बात ये आती है कि जब आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं वो किस किस्म की कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं. आपको बैलेंस देना बहुत ज़रूरी है. तो फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, तीनों का बैलेंस होता है. तो जब ये तीनों चीज़ें बैलेंस में होती हैं और आप कैलोरी काउंट का ध्यान रखते हैं और हेल्दी खाना खाते हैं, डीप फ्राइड खाना नहीं खाते, शक्कर नहीं खाते, तो सो देन यू स्टार्ट, योर बॉडी स्टार्ट्स चेंजिंग. और आपको ताज्जुब होगा किस तरह से आपकी बॉडी में तब्दीलियां आना शुरू होती हैं. रविकांत जी एक सवाल पूछना चाहते हैं. जी हाँ हाँ, आप वहां दिख रहे हैं, आपकी आवाज यहाँ से आ रही है तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. फिल्म इंडस्ट्री में इस समय तीन खान की बात होती है, सलमान, शाहरुख, बादशाह. सलमान मास का एक्टर है, काफी उसके सपोर्टर हैं. आमिर खान एक एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, ऐसी फिल्में करते हैं जिसमें कुछ दिखाने को हो, कैरेक्टर के रोल में ढलने को हो. कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 साल बाद आपको लोग संजीव कुमार की तरह जाने और उन्हें अमिताभ और राजेश खन्ना की तरह जाने कि वो एक्टर बने रहे, सुपरस्टार नहीं बने? देखिए, लोग मुझे कैसे याद करेंगे वो मेरे हाथ में तो है नहीं. वो तो लोग ही फैसला करेंगे वो मुझे कैसे याद करना चाहते हैं. और जहाँ तक संजीव कुमार जी का नाम आपने लिया तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं. और अगर मुझे लोग उनकी 10% भी समझें तो मुझे बड़ी खुशी होगी. सरहद पार से तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं. अली से मैं गुजारिश करूंगी, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आमिर से. हाय सर. हाय. हाउ आर यू? इस मौके की फ़ायदा उठा के आपसे थोड़ा सा हटके है फिल्म्स और इन चीज़ों से, लेकिन चूंकि हमें मालूम है और हम देखते आए हैं और एज न्यू कमर्स आपको ऑब्जर्व करते हैं, वी लुक अप टू यू, कि आपकी नज़र तमाम मामलात पे मीडिया से रिलेटेड और इन चीज़ों पे रहती है. मीडिया एक बहुत ताकतवर कुव्वत है आजकल की, और वो बहुत एक परसेप्शन क्रिएट करने में, इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, करता आया है और करता रहेगा. आपके ख्याल में आजकल का जो मीडिया है वो कैसा रोल प्ले कर रहा है हमारी जनरेशन के लिए, आगे के लिए? और चूंकि सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट तो हो सकती है, हम में भी, किसी भी फील्ड में, मीडिया में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो किन चीज़ों में, अगर आप पॉइंट आउट करना चाहें, और वो कैसे हो सकती है? पीपली लाइफ भी यहाँ पर याद आता है. वेल, मेरा मानना है कि मीडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है और पहले से बहुत पावरफुल हो चुका है. उसमें और ताकत आई है और एक बड़े बदलाव लाने की ताकत और बढ़ी है मीडिया में. उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है. आई थिंक दैट टुडे मीडिया प्लेज अ वेरी डायनामिक रोल. आप इस एज में हम रह रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन जो है वो सबसे आगे है, और इसमें मास कम्युनिकेशन जो है वो, उसका भी मतलब बदल रहा है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ इंटरनेट. जो रोल मीडिया प्ले कर रहा है उसमें जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, मेरे ख्याल है अगर हम एज अ मीडिया अगर हम उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करें जो बड़ा स्पेसिफिक सा एग्जाम्पल मुझे देना पड़ेगा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ. देखिए, न्यूज़ क्या होता है? न्यूज़ को देखने का अंदाज हमारा अलग अलग हो सकता है. अक्सर हम देखते हैं कि कोई टीवी पर कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग कुछ पुतले जला रहे हैं और किसी एक व्यक्ति या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक चीज़ के खिलाफ लोग नारे लगा रहे हैं, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाता है और सारे चैनल्स पर वो दिखाया जाता है. मैंने कई दफ़ा देखा है, तो मैं देखता हूँ कि कुछ 15-20 लोग खड़े हैं और कैमरा काफ़ी क्लोज जूम इन है और कैमरा टिल डाउन करता है, वो कुछ जल रहा है और उसको कुछ लकड़ी से मार रहे हैं और चिल्ला रहे हैं,
और कहा जाता है कि भैया ये शहर जो है उसमें हंगामा हो गया, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब ये न्यूज़ बताई जाती है जब वाकई में न्यूज़ एक्चुअली वो नहीं है। न्यूज़ ये है कि 8 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कैमरा जूम आउट करेंगे तो देखेंगे पूरा शहर अपनों मस्त चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, किसी को पड़ी नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो न्यूज़ है। और अगर कोई चैनल, अगर 10 चैनल ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है और सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन एक चैनल ये दिखा है कि एक्चुअली 8 लोग खड़े हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन और किसी को कुछ पड़ी नहीं है, दैट इज ऑल्सो न्यूज। तो आई थिंक दैट दिस इज रियली अप टू अस एज पीपल दैट हाउ वी वॉन्ट टू पोर्ट्रे वॉट इज हैपनिंग अराउंड अस। न्यूज जो है वो रिपोर्टिंग होती है और आप किस नजरिए से वो रिपोर्ट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आप उसी चीज को एक नजरिए से देखें तो उसका एक मतलब है, दूसरे नजर से देखें उसका दूसरा मतलब है। सो आई थिंक इन जनरल व्हाट ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस होप एंड वांट एंड आई एम श्योर मोस्ट मीडिया हाउसेज आर अवेयर ऑफ इसके, वो चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबली विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर्स रिपोर्टिंग कर पाए। और अगर ऐसा हो तो हम सब और खुश होंगे। तो अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की जगह है तो उस तरफ है। आमिर, बीच बीच में आपका कोई कोई किरदार ऐसा दिख जाता है जो लोग और इंडिया मांगे मोर जैसी स्थिति हो जाती है, आती क्या खंडाला के बाद कुछ आमिर का वैसा रूप दिखा नहीं गाने का? क्योंकि उसकी वजह बड़ी सिंपल है, मैं वैसे तो बहुत बुरा गाता हूँ लेकिन वो एक गाने में इत्तेफाक से कुछ अच्छा हो गया और लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं अच्छा गाता हूँ, तो उस गलत फहमी को मैं कायम रखना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक दैट। वो एक अकेला रहेगा, इकलौता रहेगा हमेशा। आई डोंट थिंक आई विल सिंग एवर, आई डाउट इट। बहुत सारे लोग, संजय जी। आमिर, इन दिनों बॉलीवुड में एक ट्रेंड हो गया है शुरू, दक्षिण भारत की फिल्में रीमेक होकर बनती हैं, गजनी से लेकर रेडी तक जितनी बहुत सारी फिल्में हैं, रॉडी राठौर, बहुत सारी फिल्में हैं, अब तो हम उन्हें हिंदी में अनुवाद होते हुए टेलीविजन पर देख लेते हैं। जब कोई उपन्यास या कहानी किसी भाषा में अनुवाद की जाती है तो उसमें उसको क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन जो फिल्में बनाई जाती हैं हिंदी में उसका सारा क्रेडिट जो है वो हीरो ले लेता है। 100-200 करोड़ का कारोबार होता है, वो वाहवाही लूटता है, वो कभी ये नहीं कहता कि हमने उसकी नकल की है, हमने बिल्कुल हूबहू सी कॉपी की है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब गजनी लगी थी तो बाकायदा हमने पूरी तरह से उसका खुलासा किया था कि गजनी जो है वो साउथ में बनी थी और साउथ में बड़ी कामयाब फिल्म थी। तो जब भी रिलीज से पहले जब हम इंटरव्यू देते थे, हमारी मतलब जब मैं इंटरव्यू देता था गजनी के सिलसिले में, तो मैं हमेशा इस बात को सामने रखता था कि ये फिल्म साउथ में बनी और उस डायरेक्टर ने वही डायरेक्टर ने साउथ में बनाई थी गजनी, और मुझे बड़ी पसंद आई थी इसलिए मैंने उसका रीमेक किया। तो मैंने ऐसा नहीं किया, बाकी का मुझे पता नहीं। थैलीसीमिया से पीड़ित बच्ची की तरफ से, जिसको आप एड में भी देखते हैं, जो हर जगह जाती है और कहती है थैंक यू भैया, वो बोलते हैं किस लिए? तो क्योंकि वो कहते हैं कि मैं थैलीसीमिया से पीड़ित हूँ और आपने मेरे लिए खून दिया। देन वो जवाब देता है, तो मैंने तो कभी खून नहीं दिया। वो आज तक उस भैया को ढूंढ रही है, वो भैया कोई और नहीं, आमिर खान आप हैं। क्योंकि आप भूल गए होंगे शायद 15 अगस्त वाले दिन 2010 को सलमान खान जी का मुझे फोन आया कि हम लोग ब्लड डोनेशन एक कैंप कर रहे हैं और आपसे मेरी मेल पे बात हुई, आपको 10 अगस्त को बुखार था, आपने मुझे मेल में रिप्लाई दिया कि अलका अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं 15 अगस्त को जरूर अपना खून दूंगा, और मुझे खुशी है आपने 15 अगस्त को खून दिया। और एक और जिसने मुझे यकीन नहीं आया कि 15 अगस्त 2010 को जब देश भर में कैंप लगा और आप पहले शख्स थे जिन्होंने, आपने कहा मैं जिंदगी में पहली बार अपना खून दे रहा हूं और मुझे आज ही पता लगा मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है। और उस दिन हम लोगों ने 65,000 यूनिट ब्लड कन्याकुमारी से जो है कश्मीर तक इकट्ठा किया। मैं आपको थैलीसीमिया की बच्ची की तरफ से थैंक्स करना चाहती हूँ, और थैंक्स और सल्यूट इसलिए कि आप अपनी माँ को हज पर लेकर गए, कि उसके बाद बहुत से बेटे इंस्पायर हुए अपनी माओं को जो है इज्जत मान सम्मान करने के लिए, उन्हें हज पर ले जाने के लिए। मैं आपको सल्यूट करती हूँ। सुमित एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी सुमित। अमित सर, ये चीज हम लोग आजकल अक्सर सुनते हैं, खासकर आप जैसे बड़े बड़े फिल्मी सितारों से। मैं न्यूज सैलून में काम करता हूं, मैं आज तक में काम करता हूं, पहले अपना परिचय दे दूं आपको। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि एक एक्टर होने के नाते आप लोगों की, मैं पूरी एक्टिंग कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, एक्टर्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ इंटरटेन करना आपका मकसद होता है
कि हमको तो भाई पैसा दिया गया, हम सिर्फ हमारी जिम्मेदारी वही खत्म हो जाती है, क्या यही आकर एक एक्टर का काम खत्म होता है? या एक एक्टर हिंदुस्तान का नागरिक पहले है, उसकी जिम्मेदारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले है, वो आमिर खान बनकर सत्यमेव जयते करे, क्या ये जरूरी है? या वो रियलिटी शो करे, घर चला जाए, पैसे कमाए, बीवी बच्चे पाले, बात वहां खत्म हो जाती है? मैं कंफ्यूज हूं, मैं आंसर चाहता हूं। थैंक यू। इसके दो पहलू हैं और मैं दो चीजें कहूंगा इस पे। एक तो ये कि जो एक एंटरटेनर होता है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या होती है, जैसे कि एक जो पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कोर्ट्स की बुनियादी जिम्मेदारी होती है जस्टिस देना, इसी तरह एक एंटरटेनर की बुनियादी जिम्मेदारी होती है, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों का दिल बहलाए। जब लोग टिकट खरीदते हैं, थिएटर में आते हैं, तो वहां वो सोशियोलॉजी का लेसन लेने नहीं आते, उसके लिए वो कॉलेज जाते हैं। वो आते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम, वो चाहते हैं कि उनका दिल बहले, इसलिए वो एक टिकट खरीदते हैं और सिनेमा घर में आते हैं। तो एक एक्टर की, एक एंटरटेनर की बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम लोगों का दिल बहलाएं। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी सिनेमा अलग अलग भाषाओं में, देश भर में, ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभा रहा है पिछले 100 सालों से। हम लोगों का दिल बहलाते हैं अलग अलग जबानों में, अलग अलग भाषाओं में। ये एक मेरा जवाब है आपको, इसका एक पहलू ये है कि ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। मेरा ये मानना है, आई डोंट नो कि कितने लोग ये समझते हैं या कितने लोग ये मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि एक एंटरटेनर की बुनियादी जिम्मेदारी वहां है, वो है, लेकिन वहां पर खत्म नहीं होती, मेरे लिए खत्म नहीं होती। और जब मैं कह रहा हूं, एक्चुअली ये वर्ड एंटरटेनर शायद मैं गलत यूज कर रहा हूं, आई थिंक अ क्रिएटिव पर्सन, एक क्रिएटिव इंसान, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, एक क्रिएटिव इंसान की जिम्मेदारी होती है सोसाइटी में ग्रेस लाना, सोशल फैब्रिक को मजबूत बनाना, अलग अलग वैल्यूज पे रोशनी डालना, बच्चों को वैल्यूज के बारे में सिखाना, लोगों को मजबूर करना अलग अलग चीजों पर सोचने के लिए, जो चीजें गलत हो रही हैं उन पर सवाल उठाना, तो ये सारी चीजें होती हैं एक क्रिएटिव इंसान की जिम्मेदारी। ये हम देते हैं सोसाइटी को, ये हमारा काम है सोसाइटी में। तो ये इसका दूसरा पहलू हुआ। मैं अपने आप को उस रोल में देखता हूं कि मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं ना सिर्फ आपका दिल बहलाऊं, लेकिन मैं आपको कोई किसी ना किसी चीज के बारे में सोचने में मजबूर करूं या किसी पर रोशनी डालने की कोशिश करूं। किसी तरह अपने, मेरी कम से कम कोशिश होनी चाहिए कि मैं सोशली कंट्रीब्यूट करूं हमारे सोशल फाइबर में, जो हमारी लेवल ऑफ इंटेग्रिटी है हम सब में, उसमें एक तब्दीली आए। तो ये इसके दो पहलू हैं। तो मैं, जो लोग सिर्फ एंटरटेन करते हैं और अपनी देखभाल करते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता। आफ्टर ऑल सिर्फ एक्टर वो नहीं कर रहे हैं। आप हेल्थ केयर में देख लीजिए, आप मीडिया में देख लीजिए, आप और किसी भी क्षेत्र में उठा के आप देख लीजिए, ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं जो उनके भले के लिए होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो फिर सोचते हैं कि नहीं यार, मेरा भला तो बाद में सोचूंगा, इस वक्त मुझे ये करना है। उसकी संख्या कम होती है हर क्षेत्र में। तो जिस तरह जो लेवल ऑफ इंटेग्रिटी आपको फिल्म इंडस्ट्री में नजर आएगी, वही आपको हर क्षेत्र में नजर आएगी। अमर, आपसे उम्मीदें भी लोगों की बहुत बन जाती हैं, चाहे अनचाहे जो चीजें आप करते हैं। क्या सियासत आमिर खान का लक्ष्य है? मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और उसकी वजह यह है कि मेरे लिए वो है नहीं। आई थिंक मैं जहां पर हूं मैं बड़ा खुश हूं। मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया, मेरी जिम्मेदारी मुझे लगती है कि मैं सोशली कॉन्ट्रीब्यूट करूं, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं और जो करने में मुझे मजा आता है। आई थिंक हम सबको वही करना चाहिए जिसमें हमारा दिल है, और मेरा दिल इसी चीज में है। आई एम हैप्पी बीइंग एन एंटरटेनर, आई एम हैप्पी बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, दैट्स व्हाट मेक्स मी हैप्पी। एंड मुझे लगता है कि मैं ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा जहां पर मैं हूं वहां से, बनिस्बत ये कि मैं पॉलिटिक्स में हूं। अभी वैसे जो किरदार बदला है, इससे पहले इमरान खान से आपकी मुलाकात तो हो चुकी है, लेकिन इमरान खान एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी जी, मैं सवाल भी है और एक्चुअली आमिर, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि दो तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में।
और शेड्स ऑफ ग्रे भी हैं, लेकिन एक तरफ मटीरियलिस्ट, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल. जो मटीरियलिस्ट है वो अपना सोचता है, यानी अगर उसने क्रिकेट खेली, नाम बन गया, तो वो सारी ज़िंदगी फिर क्रिकेट से पैसा भी बना सकता है. और उसी तरह आप एक्टिंग में भी ये कर सकते हैं, आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, और अपने लिए होता है वो. जो दूसरा, जो मैं समझता हूँ, जिसको स्पिरिचुअल कहते हैं, मैं कॉम्प्लीमेंट आपको ये देना चाहता हूँ कि मैं तो अब उम्र के इस हिस्से में फिल्मों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक मैंने आपकी फिल्म देखी, धोबी घाट, वो बाय चांस देख ली इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम था. जो कॉम्प्लीमेंट वो ये है कि देखें, जो आप कहते हैं ना मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, ये ही पॉलिटिक्स है कि आप एक माशरे में जो नाइंसाफी है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, एक बच्चों प्रिविलेज, दूसरे नीचे, ये जब आप पॉइंट आउट करते हैं, और ये जो ये जो आप लोगों को सोशल कॉन्शियसनेस देते हैं, ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है. एंटरटेन भी करें और साथ साथ लोगों को एक माशरे में जो जुल्म और नाइंसाफी है उसकी भी निशानदेही करें. तो कई ऐसी फिल्में हैं जो सारी दुनिया जिंदगी लोग याद रखते हैं क्योंकि उनका एक इम्पैक्ट पड़ता है. तो जो मेरा आपकी तरफ ये, मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता, आपको पता है हम पॉलिटिशियंस तकरीर करना छोड़ते ही नहीं है माइक. मैं सिर्फ आपको ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि आपने जो जो मुश्किल रास्ता लिया है, आसान रास्ता तो आप भी बड़ा पैसा बना सकते, मुश्किल रास्ता ये है कि आप माशरे के अंदर जो जो चीज़ें गलत हैं और जो आप समझते हैं ठीक होनी चाहिए, उसकी आप निशानदेही करते हैं अपनी फिल्मों के थ्रू. ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये मटीरियलिस्ट से स्पिरिचुअल पे पहुंच जाता है. तो आपको मुबारक देना. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू. आमिर, एक और सवाल हम लेना चाहेंगे. अंजना पूछिए. जी जी आमिर, जो इमरान जी ने कहा वहीं से बात आगे ले जाते हुए, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक एक्टर के तौर पर इस वक्त निभा रहे हैं, बहुत कम ही, शायद कोई नहीं ऐसा सितारा है अभी बॉलीवुड में जो उस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ा रहा है. सवाल यह है, क्या ये देश सत्यमेव जयते का पार्ट टू देखेगा, या खाप पंचायत के बाद जो घटना हुई थी, जो खाप का आपने विषय उठाया था, जो घटना हुई उसने कहीं आपको निराश कर दिया है और शायद पार्ट टू ना हो, या फिर आप उसी तरह से क्रूसेड को आगे ले जाएंगे? नहीं, उसी तरह से आगे ले जाएंगे. मैं बिल्कुल निराश नहीं हुआ. मुझे दुख बहुत हुआ है यकीन कि ऐसा हादसा हुआ, लेकिन निराश मैं नहीं हुआ हूँ क्योंकि मुझ में बहुत बहुत होप है. मैं मानता हूँ कि ये देश बदलना चाहता है. मैं मानता हूँ कि इस देश के लोग एक बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं, ये मैं मानता हूँ. और कोई भी तब्दीली जो है एक रात में नहीं आती, उसमें वक्त लगता है. जो हादसा है जिसकी बात आप कर रही हैं, उससे पहले भी ऐसे कई हादसे हुए हैं, आइंदा भी शायद होंगे, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि वो ऐसे हादसे ना हों, और उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, और वो जो हमारी कोशिश है वो कभी ख़त्म नहीं होगी. क्योंकि अपने आप जी, अशोक जी, अशोक जी. आमिर, एक सवाल है जी. शाहरुख और सलमान में किसको बेहतर एक्टर आप मानते हैं, और आप अपने आप को तीनों में कहाँ फिट पाते हैं? और दूसरा सवाल यह है, क्या कभी तीनों के तीनों एक साथ फिल्म में दिखाई देंगे? देखिए, तीनों के तीनों मैं आपको अभी दिखा देता हूं फिल्म में. आप सब अपनी आंखें बंद करें और अपने इमेजिनेशन में सोचें उस फिल्म के बारे में, और अपनी कहानी बना लें जो भी आपको चाहिए, तो आप फौरन देख लेंगे हम तीनों को. मैं भी देखना चाहूंगा, और यकीनन अगर ऐसी कोई फिल्म बनी तो बड़ा मजा आएगा हम सबको काम करने में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को देखने में. जहाँ तक कंपैरिजन्स का सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सलमान और शाहरुख को कंपेयर करूं, तो वो मुमकिन नहीं होगा मेरे लिए. आई थिंक हर एक्टर की अपनी क्वालिटी होती है, अपने स्ट्रेंग्थ्स होते हैं, और यकीनन शाहरुख और सलमान दोनों ही बहुत ही कामयाब और मंझे हुए आर्टिस्ट हैं, और दोनों ने करीबन, हम तीनों साथ में ही आए थे, करीबन हम लोगों को अभी 2 decades से ज़्यादा हो गए हैं फिल्मों में काम करते हुए. सो बोथ ऑफ देम आर रियली वंडरफुल स्टार्स, ग्रेट ग्रेट स्टार्स, एंड यू नो, वेरी वेरी चार्मिंग एंड लवेबल पीपल. या हर एक्टर की अपनी अपना स्ट्रेंथ होता है, लेकिन अगर हम आमिर खान की बात करते हैं एक इंसान के तौर पर या एक एक्टर के तौर पर, तो आपकी स्ट्रेंथ गिनने के लिए उंगलियाँ कम पड़ जाती हैं.
बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे मंच पर आए, हमसे अपने विचार बांटे. थैंक यू. शुक्रिया आमिर, शुक्रिया श्वेता. मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री अरुण पुरी जी को, इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ, जो कि एक छोटा सा तोहफा आमिर को हमारी तरफ से देंगे आभार स्वरूप कि वो यहाँ आए और इस बहस का, इस डिस्कशन का हिस्सा बने. लेकिन मेरे समझ से जो एंटरटेनर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम समाज को क्या देते हैं, व्हाट डज एन एंटरटेनर डू, आई डोंट थिंक कि एंटरटेनर का काम सिर्फ इतना है कि हम लोगों को हंसाएं या रुलाएं. आई फील के एक एंटरटेनर का काम है कि हम समाज में एक जो सोशल फैब्रिक है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें. वी ब्रिंग ग्रेस टू सोसाइटी. इट इज़ आर जॉब टू बिल्ड वैल्यूज इन पीपल. इट इज़ आर जॉब टू मेक यू थिंक. हम लोगों को सोचने पे मजबूर करें, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में पे रोशनी डालें. तो आई थिंक एंटरटेनर का काम सिर्फ हंसाना रुलाना नहीं है, इट्स ऑल्सो टू बिल्ड द सोशल फैब्रिक ऑफ अ सोसाइटी. इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी फिल्म. इन्हें सुपरस्टार कहें या सुपर एक्टिविस्ट समझ नहीं आता, तो जान लेते हैं कि कयामत से लेकर तलाश तक आमिर का दिल चाहता क्या है. वेल एज अ ह्यूमन बीइंग आई सपोज मैं चाहता हूं खुशी, अपनों का प्यार जो मेरे अजीज हैं उनके साथ वक्त, एक्साइटमेंट, जॉय. किसी ने कहा है फिल्में तीन चीजों से चलती हैं. हम ये कहेंगे कि फिल्में तीन चीजों के इर्द गिर्द होती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट. पर आमिर खान ने अपना एक ऐसा किरदार, दिल को छूती हैं, मुझे हंसाती हैं, रुलाती हैं, जो मुझे पसंद आती है मैं वो करता हूँ. और सिर्फ फिल्में नहीं आमिर, अगर हम सत्यमेव जयते सोचें या फिर हम अन्ना हजारे का वो आंदोलन सोचें जब आमिर खान वहां पर पहुंचे थे, तो सिर्फ फिल्मों में वो चीज नहीं झलकती है. आमिर खान की सोच अब बहुत, उसका दायरा बढ़ चुका है. एक्चुअली मेरा हमेशा से ये मानना है कि, क्योंकि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं आप अब एक्टिविस्ट बन गए हैं, दरअसल मैं अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं समझता हूँ. क्योंकि मेरे समझ से एक एक्टिविस्ट वो इंसान होता है जो अपनी पूरी जिंदगी एक किसी मुद्दे के साथ जोड़ लेता है, एंड ही स्पेंड्स हिज इंटायर लाइफ फाइटिंग फॉर दैट कॉज, वर्किंग फॉर दैट कॉज. ये मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं अपने आप को एज एन एंटरटेनर देखता हूँ, फिल्मों के जरिए हो, चाहे वो मेरे टीवी शो सत्यमेव जयते के जरिए हो. जी. और इसीलिए ये लगता है कि आमिर खान कभी अपना कोई मिशन अधूरा नहीं छोड़ते हैं. क्या आप सत्यमेव जयते को एक अधूरे मिशन के तौर पर देखते हैं? सामाजिक समस्याएं आपने सामने रखी हैं. जी. क्या वो निष्कर्ष तक पहुंची? आई डोंट थिंक कि ये जो मुद्दे हमने उठाए हैं इनका कोई एक रात में सोल्यूशन मिलने वाला है हम लोगों को. ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हम लोगों को लगातार काम करना पड़ेगा, और ये एक कोशिश जारी रखनी पड़ेगी ताकि लोगों का नज़रिया बदले. हमने ये कोशिश इसलिए शुरू की क्योंकि हमको लगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें शायद पूरी तरह से जानकारी नहीं है, मुझे भी नहीं है. तो कोशिश ये थी कि पहले मैं जानकारी इकट्ठा करूं अपने आप के लिए, और फिर जो मुझे मालूमात हो मैं लोगों के साथ बांटूं. और हमारा ये मानना है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ लोगों का के एक्शंस बदलते हैं. दार बुना है जो ये नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है. आमिर खान ऐसा कॉन्शियसली दिल से चाह कर बने या एक नेचुरल फ्लो में ये बन गया? आपने शायद डेली बेली नहीं देखी. डेली बेली से भी जुड़ा एक सवाल मेरे पास. जी. तो खैर, मैं जो फिल्में चुनता हूँ इट्स अ रिजल्ट ऑफ माय चॉइस, जो जहाँ पर मेरा दिल जाता है और जो मेरा, जो चीज़ें मुझे एक्साइट करती हैं. आई सपोज जो कुछ मैं हूँ इस वक्त, जो इन्फ्लुएंसेस मुझ पर रहे हैं बचपन में एज आई ग्रो अप, अम्मी के, अब्बाजान के और मेरे दोस्तों के, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो वट एवर इन्फ्लुएंसेज हैव बीन ऑन मी, उस वजह से मैं आज हूँ जो भी हूँ. और जो मैं फिल्में चुनता हूँ वो ऐसी कहानियाँ होती हैं जो मेरे